हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सादी ब्लॉगर। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे होने चाहिए गाइस। तो गाइस, आज का कुछ सीन ऐसा है कि आज 10 मुहर्रम है और आज शरबत वरबत बनते हैं घर के अंदर, तो हमारे घर में भी शरबत बनेगा तो बनाएंगे वो भी। और अभी फजर का टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ी है अभी भी, और बस अभी चल के थोड़ा बहुत आराम करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। सुबह ही हो रही है, सॉरी। मजा आया। वैसे चलो छोड़ो, अभी हम लोग चलते हैं, आराम करते हैं और फिर सुबह 10-11 बजे फिर करना क्या है, तो अभी बस चलते हैं। वैसे भी इतना शौक कर रहे हैं लोग। तो हेलो जी, यार हम रेडी शेडी हो गए, अभी चलते हैं पिस्ता बादाम ये सब देते हैं, मतलब मटेरियल लेने हैं शरबत का। तो अभी बस निकलते हैं फटाफट, कैसी देर हो गई है, बनाना भी फिर बांटना भी है। बड़ा और ब्लैक सूट पहन लिया मैंने दोबारा से, मोहर्रम में यार ब्लैक सूट पहन लेना चाहिए। चलते हैं बस अभी। यहाँ मैं बादाम काट रहा था लेकिन एक गिलास लेके घूम रहे ना, काफ़ी है। बुक्कर तेरी तरह थोड़ी ना, रिफिल करवाते हैं। तो हेलो जी, यार नमाज पढ़कर आ गए थे हम लोग और अभी बस निकलते हैं यहाँ से घूमने फिरने, ऐसी शुगल मेले के लिए। ये भी बोल रहा है चलते हैं भाई, मेरी बस भी आ रहे हैं, निकलते हैं रात रोड से पर, वरना 2 दिन से तो गली घर में ही थे हम लोग, मतलब गली में से भी नहीं निकले थे 2 दिन। अभी चलते हैं, देखते हैं बाहर का क्या हाल चाल है, बस मनीप भाई आ जाए फिर निकलते हैं हम लोग। द नेक्स्ट डे। हेलो जी, वेलकम टू न्यू डे। तो आज यार मेरी दादी की बरसी, मतलब दादी की न्याज है, तो घर में सूर्य यासीन है और एक दो चीज़ें और हैं, मेरे को नाम नहीं पता। तो अभी उसके लिए बिरयानी की देख भी आएगी, तो उसके लिए मैं शॉपरे लेने गया था, जहाँ मैं देख लिया होगा। तो अभी बस ऊपर चलते हैं और नहाते धोते हैं, कपड़े चेंज करने हैं तो कपड़े चेंज करते हैं और फिर उसके बाद तैयारी व्यारी करेंगे भाई की। तो अभी बस ऊपर चलते हैं और कपड़े पहले चेंज करते हैं। हेलो जी, यार मैंने बिल्कुल नहा धो के मैं बिल्कुल रेडी शेडी हो गया और फिर बस कुरान पाक पढ़ते हैं और फिर देखेंगे आगे क्या सीन है, पहले कुरान पाक पढ़ना है। और मैं बिल्कुल रेडी शेडी हो गया, नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गया, तो बस अभी कुरान पाक पढ़ते हैं। कुरान पाक लिखा लिया है मैंने, इसको खोलते हैं और पढ़ते हैं और फिर देखते हैं आगे का क्या है। अभी खाने वाला भी आ जाएगा, 4 बजे तक आएगा खाने वाला शायद, तो उसका भी देखना है। अभी बस इसको पढ़ते हैं कुरान पाक को, हम पढ़ने का देखता हूँ। उसने आलू सारे ऊपर ही रखे हैं भाई, इन लोगों को आधे काम आधे वक्त पे याद आते हैं। अभी बोल रहे यार कब्रिस्तान जाना, फूल तो लाया ही नहीं, चाचू बोल रहे हैं मेरे को अब फूल लेने निकला हूँ, फूल की पत्तियाँ लोग कहाँ मिलेंगी, बल्कि सामने ही है। तो जी पत्तियाँ ले ली हैं, बस अभी कब्रिस्तान निकलते हैं हम लोग घर पहुँच के। कब्रिस्तान तो पहुँच चुके हैं, उनको बस कब्र ढूंढते हैं और सूरह फातिहा पढ़ के निकलते हैं फिर यहाँ से भी। कितनी बची है बिरयानी, काफ़ी बची है। तो हेलो जी, यार सारे काम वाम मुका दिए हम लोगों ने और सब कुछ डन हो गया है, और इस व्लॉग का एंड नहीं करा देते, इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। तो इस व्लॉग करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन तोड़ देना, बेल आइकन दबा देना, तो मिलते हैं हम लोग नए सब लोग के साथ। तो ओके फिर, जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी तो पता लगूगा।